हाय, मुझे अली अलीमा मिल जाए, अलीमा सुल्तान मिल जाए, मरियम नवाज है, मोहतरमा जी, लोग कहते हैं ये पाकिस्तान की यही है। हाँ, हलीमा सुल्तान यही है। तो जब हलीमा सुल्तान आती थी तो आप आंखें बंद कर लेते थे? आगे कर देते थे। दुनिया दीवानी है, कैसे बुलाऊं वो आंखें उसे देखते ही। ये मैंने उसके लिए लिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा बासी और आज मैं मौजूद हूं बागे जिना में और आज मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लाई हूं, एक दिलचस्प प्रोग्राम, हंसी मजाक और गपशप से भरपूर प्रोग्राम। लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया, लाहौर न्यूज़ की दुनिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला, आप बताना चाहेंगे कि हलीमा सुल्तान जो करेक्टर आपको कैसा लगता है? लोगों को, जिसको भी देखो, हाय मुझे अलीमा मिल जाए, अलीमा सुल्तान मिल जाए, और ये अपना क्या कहते हैं, अपना मोहतरमा मिल जाए। हाँ, अपना ये मरियम नवाज है, मोहतरमा जी, लोग कहते हैं ये पाकिस्तान की यही है। हाँ, हलीमा सुल्तान यही है। और मैं कहता हूँ कि उनकी जो एक पर्सनल लाइफ है ना, उसको हमें नहीं देखना चाहिए। हमें जो सिखाया जा रहा है ना, मीडिया हमें जो सिखा रहा है, मतलब सोसाइटी हमें क्या सिखा रही है, हम टीवी से क्या सीख रहे हैं, वो हमें कुछ सिखा रहे हैं। एक चीज़ पढ़ते हैं कि अ पर्सन कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ अदर्स। आप किसी अननोन जगह पर भी चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसी शादी पर चला जाता हूँ, तो हम कहते हैं यार उसने ये पहना नहीं है सही, या उसने कलर सूट नहीं कर रहा एवं, कुछ ऐसा लोगों को दिखा रहे हैं कि वो लोग कुछ सीख जाए हमसे, लेकिन जो हमारी आवाम है वो तो सीख नहीं रहे, वो दूसरे तरीके से इसके दिखाएं। हलीमा सुल्तान, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ जी, उसको मिलना नहीं चाहिए, उसको मरना नहीं चाहिए था, बिल्कुल सही। ये आटू गोल है ना, कौन सी हलीमा है? सुल्तान है। हाँ जी, आगे ये जंग वगैरह लड़ते। हाँ, जंगे वगैरह लड़ती, उनके मरने पर दुख हुआ था आपको? रोए थे? रोए थे। ओह दैट्स स्वीट। आपका कोई टैलेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, कोई सॉन्ग जो है या कोई भी शेर वगैरह सुनाना चाहेंगे? मेरा टैलेंट ये है, मैं हंसता बहुत। एक दो दोबारा हंस के दिखाइए। माशाल्लाह, आपकी हंसी ऐसे ही बरकरार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दानियाल। दानी, तो जो उनका जो हलीमा सुल्तान का जो करेक्टर है, वो जिन्होंने की है, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसी लगती हैं आपको? मैंने उसे इसी तरह से नहीं देखा, मैं देखता था अर्तगुल के, अर्तगुल दिखता था बस। अच्छा, आप हलीमा को सही से नहीं देखते थे, पूरी दुनिया हलीमा को देखती थी, आप नहीं देखते थे? नहीं, मैं अर्तगुल को पसंद करता हूँ। आप अर्तगुल को पसंद करते हैं। अच्छा, तो जब हलीमा सुल्तान आती थी तो आप आंखें बंद कर लेते थे? नहीं, आगे कर देते थे। अच्छा, नहीं, सकाफत क्या है, वो तो पर्दा नहीं करती थी, वो तो सेम ही बात। नहीं, पर्दा तो करती थी वो हलीमा सुल्तान। अच्छा, मुंह पे पर्दा भी करना चाहिए। एक दफा फिर लास्ट पे हंस के दिखा दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे बात कर। अच्छा, हलीमा सुल्तान आपको कैसी लगती हैं? मुझे कैसी लगती हैं, दुनिया दीवानी हो सकता है, लेकिन हर लड़की अपनी अपनी जगह पे, उसका तो पता नहीं, जो मेरी लड़की है वो ठीक है। ओ, आपकी लड़की है? नहीं, अच्छा, मेरी लड़की नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। आपकी गर्लफ्रेंड है? ओके। मेरी मंगेतर है। माशाल्लाह। अपनी मंगेतर के लिए कोई गाना गा दो। नहीं, गाना नहीं मुझे आता। कोई शेर, कोई रोमांटिक सा शेर हो जाए उनके लिए, जिसमें आपकी मोहब्बत का इजहार हो। उसे देखते ही ये दिल बेहाल हो गया, उसे देखे भी सालों साल हो गया, कैसे बुलाऊं वो आंखें उसे देखते ही। ये मैंने उसके लिए लिखा, खुद ही लिखा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टॉक, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।